नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नेतृत्व में पूरा कांग्रेस विधायक दल दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचा। विधायक दल ने खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्हें पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, सरकार उन खिलाड़ियों को न्याय दिलाने में नाकाम साबित हो रही है। जिन खिलाड़ियों को देश पलकों पर बिठाता है, सरकार की ओर से उन खिलाड़ियों को सड़क पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिन खिलाड़ियों को स्टेडियम में प्रदर्शन करना चाहिए था, उन खिलाड़ियों को सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए छोड़ दिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों से भी संयम और हिम्मत बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। न्याय मिलने में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। पत्रकारों से बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये पार्टी नेतृत्व की मेहनत और कांग्रेस की नीतियों की जीत है। इस जीत से पूरे देश में पार्टी को मजबूती मिलेगी और कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद होगा। दिल्ली से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। देखिए, आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन खिलाड़ियों को जिन्होंने देश के लिए देश का नाम ऊंचा किया है, उनको स्टेडियम में तैयारी करना चाहिए, वो आज इतने दिन से जंतर मंतर में बैठे। बड़े अफसोस की बात, और जांच में इतनी देर, भाई दिव्यांग क्यों मजबूर हुए यहाँ बैठने के लिए, इसकी जांच तुरंत होनी चाहिए। वैसे तो मैं पहले आ गया था, बात हो गई थी, पहले दिन से हमारा पूरा समर्थन है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, खिलाड़ियों को भी और साथ आप सबको भी संयम रखो, देर हो सकती है। जो तो इनको न्याय तुरंत दिलाया जाए, हमारे सबर का इम्तिहान ना लिया जाए। बहुत पत्रकार हुआ अगर इस बात में सबर टूट ना जाए हमारा, उससे पहले तो न्याय मिलना चाहिए। ये मेरा कहना है, हमें जब तक न्याय भी मिलेगा, इनके समर्थन में हम खड़े रहेंगे और जो भी बात होगा हम पूरा कार्रवाई करेंगे। बहुत 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 संयम रखना, हिम्मत रखना, देर हो सकती है, देर नहीं हो सकती। भूपेंद्र जी जी को हाथ में हरी प्रकाश जी आए हैं, अध्यक्ष और वर्मा से लगातार ये भी आरोप लग रहा है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।